Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Government of Sindh, local government department, Sindh local government board में काफ़ी सारी opportunities हैं. 948 BPS 11 की ये opportunities हैं. Intermediate जिन्होंने किया हुआ है वो लोग इसके लिए eligible हैं, और grade 5 to 15 की जो jobs थी, जो सखर आई बी के थ्रू एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा opportunities हैं. और इंटरमीडिएट कैटेगरी की ये जॉब्स हैं, जो कि 14 तारीख को जो इसकी एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट हुई है वो 16 तारीख को हुई है, और 16 जुलाई 2023 को ये एडवर्टाइज्ड हुआ है. और यहाँ पे जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 7 दिन के अंदर आप लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अप्लाई कर देना है. अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपने, सेक्रेटरी की जॉब है, BPS 11 948 जॉब्स हैं. जिन लोगों ने इंटरमीडिएट कैटेगरी में 40 या 40 प्लस मार्क्स स्कोर किया है वो तमाम लोग इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 दी हुई है, प्लस आपकी जो जो एक जनरल एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन आया हुआ था 15 साल का, वो भी इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध सेक्रेटरीट नंबर 5 कराची फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली. तो यहाँ पे आपने जो है वो एप्लीकेशन भिजवानी है. इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अच्छा, जो आपका फॉर्म होगा वो फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर्म किस तरह का होगा. उस पर क्या क्या आपका जो है वो मेंशन होना चाहिए, नाम, वालिद का नाम, आपकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन जो भी है, आपकी टेक्निकल जो क्वान्टिफिकेशन है यानी टेक्निकल आपकी कोई डिप्लोमा है तो वो उसके अंदर मेंशन हो, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस उसके अंदर मेंशन हो, डोमिसाइल PRC कहाँ का है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर मेंशन हो एप्लीकेशन के अंदर. इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो. देन आपका जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि एज के हवाले से होता है, यूजुअली मैट्रिक या इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट होता है वो एज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो वो साथ में आपने अटैच कर देना है. डोमिसाइल PRC आपने साथ में अटैच कर देना है. 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने साथ में अटैच कर देनी है. CNIC आपका अगर एक्सपायर है तो उसका टोकन लाजमी साथ में जमा कर रहेगा. अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपने जमा करवा देना. द जर्नल अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट विल बी परमिसिबल एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक पॉलिसी आई थी कि जी 15 साल की एज रिलैक्सेशन है 2023 तक की जॉब्स के लिए, तो वो भी इसके ऊपर 2024 की गालिबन कोई डेट है वो भी इसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी. शेयर ऑफ कोटा रिजर्व फॉर वेमेन Differently disabled, abled person and minorities का अलग अलग से कोटा है. कोटा वाइज जो है वो इंडक्शन होगी. जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या करना है कि जी NOC लेकर वो साथ में अटैच कर देना, ठीक है. और ये तमाम चीज़ें आपने इस एड्रेस के ऊपर भिजवा देनी. अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि जो बहुत ख़ास हैं वो ये हैं कि आपका जो टेस्ट का स्कोर है, जो फाइनल मेरिट बनेगा वो टेस्ट का स्कोर और आपकी डिग्री और आपका जो आपका इंटरव्यू है उसकी बेसिस पे बनेगा, अगर इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो. फिर इसके अलावा अगर टेक्निकल कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से भी अलग से टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आई थिंक कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो लोग जो है अपने तमाम डॉक्यूमेंट और IBA सखर IBA का टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया है और 40 या 40 प्लस मार्क्स है तो आप अपने एप्लीकेशन जो है वो यहाँ भिजवा सकते हैं. अब जो आपका टेस्ट का स्कोर है उसका 50% काउंट होगा, 30% आपका इंटरमीडिएट की डिग्री काउंट होगी. इंटरमीडिएट में जो आपके मार्क्स हैं उसकी बेसिस पे आपको जो है वो 20 मार्क्स में से 30 मार्क्स में से आपको मार्क्स एलोकेट हो जाएंगे, और फिर 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे. इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा आपको वो भी मैं बता दूँ. एक तो आपका जो जनरल HR का इंटरव्यू होता है, आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड सवाल, आपका टीम वर्क, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ इस बारे में आपको पता हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ड्रेसिंग, ये तमाम चीज़ें एक तरफ. इसके अलावा जिस भी डिपार्टमेंट में आप जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ा करें कि उस डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या है, वो काम किस तरह से करता है, कितने उसके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो इम्पोर्टेंट टीयर्स हैं, किस किस टीयर पर कौन काम कर रहा है, कौन सा टीयर क्या काम करता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता हो तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपका बन जाता है. इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर आपको बेतहाशा जो है वो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है. इंटरव्यू कैसे देना है, ड्रेसिंग क्या हो, बात करते वक्त जो है वो आंखों में आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होगी,
जो आपसे बात कर रहा है उससे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो, ड्रेसिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, और इसके अलावा इंटरव्यू के कलर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, वो आपने पहनने के, ड्रेसिंग, जूते जो हैं वो पॉलिश्ड हों, ठीक है, वेल मेंटेन्ड, आपकी इस्त्री वगैरह ठीक से कोई भी हो कपड़ों को, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। फिर जो है जब आपसे आपको इंट्रोड्यूस करने को कहा जाए, क्योंकि पहला सवाल यही होगा, तो आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाओ, अपने इंटरव्यू के हवाले से अपने स्ट्रेंथ के बारे में जानो, अपनी वीकनेस के बारे में जानो, ठीक है। फिर जब आप पे क्रिटिसिज्म हो तो उसको आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है वो आपको पता हो, ठीक है। फिर आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता हो कि आपकी क्या वीकनेस है, हर पर्सनैलिटी की एक वीकनेस होती है, वो आपको लाजमी बतानी चाहिए कि आपके अंदर क्या चीज़ें जो है वो आपकी वीकनेस में आती हैं और उसको आपने ओवरकम कैसे करना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के हवाले से पता हो। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। मैं अपने चैनल पे तमाम अपडेट्स शेयर करता रहूँगा वक्तन फवक्तन। इस चैनल को अपडेट्स के लिए लाजमी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।